जी हम दोनों भाई हम लोगों ने मिलकर ये हेलीकॉप्टर बनाया, और क्योंकि ये हेलीकॉप्टर मतलब बनाने मतलब ये चैलेंज आया था बिहार से, और उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और फिर हम लोगों ने हाथ लगा। मतलब लगभग 4 महीने तक हम लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद तो हम लोगों ने ये हेलीकॉप्टर बनाया। बहुत अच्छा लगता है सर जी, एकदम जहाँ भी जाती है मतलब भीड़ तो पूछे ही है, मतलब बहुत भीड़, हर गाड़ी से बिल्कुल अलग है ये, और जहाँ भी जाती है बहुत भीड़ लगती है एकदम जी। बहुत डिमांड एकदम है इसकी। सरकार से यही हमारी उम्मीद है, और बड़ी बड़ी कंपनियों से, कि अगर हमारी सपोर्ट मिले, फुल सपोर्ट मिले, तो हम लोग आने वाले वक्त में जल थल और वायु तीनों पे चलने वाली हम लोग हेलीकॉप्टर बनाएंगे। चलने वाली हेलीकॉप्टर है सर। सर मैं ये यूट्यूब पे एक वीडियो देखे थे, बिहार किसी भाई ने हेलीकॉप्टर बनाए थे, उन्होंने चैलेंज किया कि जो बिहारी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता सर, तो उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। पहली बार उनका बात मैंने सुना और मुझे तो वो काफ़ी तकलीफ हुई, और कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर जी उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे पास भी नैनो कार गाड़ी थी, और मैं एक दिमाग में बात रखा है कुछ ऐसा किया जाए कि अपने ज़िला अपने गांव का नाम भी सर रोशन हो, तो मैंने अपने गाड़ी पर काम करना शुरू किया। 4 महीने लगभग काफ़ी मेहनत किए सर, दिन रात मेहनत किए, उसके बाद 4 महीने बाद हमारी गाड़ी फाइनल हो गई हेलीकॉप्टर। सर अभी तो हम गाड़ी पहली बार बनाए, लगभग इसमें 3 लाख रुपये हमने लगाया, और सामान तो बहुत कुछ लगा सर, जो भी ज़रूरत पड़ी हम लाते गए लगाते गए, कुछ तो ऐसे सामान है कि लाएँ नहीं लगी, वो हमारी वेस्ट गई, वो बेकार हो गई हमारी सामान, जैसे कुछ सामान ऐसी भी हम लाए बाज़ार से जो कोई मेरे काम में नहीं है, वो ख़राब मेरा हो गया, और बाकी कुछ सामान ऐसे है तो लाए तो ठीक है लग गया, चलते चलते माला काफ़ी मेहनत की इसके लिए सर, माला कामयाबी अब हमें जाकर मिली है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग शादी ब्याह में काफ़ी पसंद कर रहे हैं, चूँकि सर मैंने बनाया इसलिए कि अपने ज़िला अपने गाँव का नाम रोशन हो, कुछ ऐसा किया जाए कि अपने ज़िला अपने गाँव का नाम रोशन हो, और वो चैलेंज दिए थे उनको, उनके चैलेंज को पूरा करना था, तो इस आधार पे सर हम काम किए, हमारा रिस्पांस भी जी रिस्पांस भी इसकी मिली हमें, और कल मतलब लोग शादी ब्याह में भी पसंद कर रहे हैं सर। जी जी अरे वो तो कहीं गाड़ी हम खड़े कर दे रहे हैं सर, वहाँ से फ़ोन आने लगती है, या जहाँ भी जा रहे हैं हमारा कार्ड लोग ले रहे हैं, हमारा नंबर मांग रहे हैं, फिर वो आराम से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमें शादी में जाना है, यहाँ वहाँ माला जगह जगह बता रहे हैं लोग, उसी आधार पे बुकिंग हो रही है सर। अभी तो सर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अड़चन सर अगर इसमें आएगी तो इससे बड़ी बड़ी रथ लेकर चलते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लेकर चलते हैं रथ, उसमें भी आना चाहिए सर, लेकिन हमें नहीं लगता है सर ऐसी कोई दिक्कत हो, और प्लस ऐसे रोड पर माला गाड़ी हम नहीं माला इसको रात में ही चलाएंगे, दिन में चलाएंगे नहीं कि ट्रैफिक जाम लगे, उससे अपने को भी दिक्कत होगा, सामने वाले को भी दिक्कत होगा रोड पर अगर ट्रैफिक लगेगी, तो रात में ही चलाना है सर, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। मेरी माँ तो सर सपोर्ट कर रहे थे, मेरे भाई लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रह गया थोड़े पिताजी है थोड़ा कुछ आपत्ति जताए कि अरे फालतू पैसा लग रहा है बे मतलब के काम, माला अपना फर्नीचर का बिजनेस है सर, उनका कहना है तो बिजनेस चलाएं। अब काफ़ी खुशी है कि अब काफ़ी शोहरत हो रही है, काफ़ी नाम हो रही है सर, अब लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो सर शोहरत ही है ना सबको, जब शोहरत होने लगी तो सब काम सरकार से और बड़ी बड़ी कंपनियों सर हम यही चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, और जो हमारी सपना है हम अपने सपनों को उड़ान दे सकें। सपना हमारी ये है सर कि भविष्य में हम एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो जल थल वायु सब जगह चलेगी, पानी में भी चलेगी, रोड पे भी चलेगी सर, और आसमान पे भी उड़ेगी, हमारी ये तमन्ना है सर। मैं लोगों से या अपने लोगों से भी और सरकार से भी मैं यही चाहता हूँ वो हमारी मदद करें सर। यही है कि कोई अगर भाई अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं वो गाड़ी लेकर आ सकते हैं, बनवा सकते हैं सर, और मतलब कोई अगर इस तरह का जैसे रथ का लोग बिजनेस करते हैं, इसका भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं सर।